बहुत हुई बहस, अब संवाद होगा। और लगता है अब जुडिशरी भी किसी हद तक डिवाइड हो गई है। फैक्ट्स होंगे। अब फिस्कल डेफिसिट कोरोना के बाद भारत का बढ़कर हो गया था 9%। सच होगा। तब से वहाँ पे तालिबान का शासन है। सवाल होंगे। साइंस क्या होती है मेंटलिज्म के पीछे? सवालों के जवाब होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज का सवाल के एक और नए एपिसोड में। आज का सवाल मैं नहीं पूछूंगा, आज का सवाल एक बहन पूछेगी। एक बहन पूछेगी इस समाज से, इस समाज के बनाए हुए सिस्टम से, जिस सिस्टम ने देश के शिक्षकों को कमर्शलाइज किया, जिस सिस्टम ने देश की शिक्षा को कमर्शलाइज किया, उसी सिस्टम से आज का सवाल एक बहन पूछेगी जिस बहन का भाई उस सिस्टम की मार का शिकार हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं दिव्या और स्नेहा। दिव्या जी, स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही में मेरे साथ एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर नंदिता नारायण मौजूद हैं, सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर। इस पैनल को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं सबसे पहले आपको आज का सवाल बता देता हूँ क्या है। आज का सवाल में आज हम चर्चा करेंगे एड हॉक प्रोफेसर पे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एड हॉक प्रोफेसर क्या होते हैं, जो लोग परमानेंट जॉब नहीं करते, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक साल में कॉन्ट्रैक्ट आया, फिर दो साल में आया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है, आप इसको एड हॉक प्रोफेसर समझ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। सवाल आज का इसलिए जरूरी है, और जैसा मैंने कहा कि आज का सवाल मैं नहीं पूछूंगा, एक बहन पूछेगी इस समाज से और इस सिस्टम से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में, देश का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज में फिलोसफी के एड हॉक प्रोफेसर थे समरवीर जी, लेट समरवीर जी, जिन्होंने आत्महत्या करके जिनकी जान गई, आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है वो, जिसका कारण रहा कि पिछले 15 सालों से जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक के पदों पर पढ़ा रहे थे, यानी कि एडहॉक प्रोफेसर थे और पढ़ा रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब परमानेंट करने की बात आई तो उनको एक इंटरव्यू करने के लिए कहा गया, जिसमें उनसे कहा गया कि आप कैपेबल नहीं है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट प्रोफेसर की तरह काम कर सके। क्या है पूरी कहानी मैं आपको खुद बताना चाहूंगा। दिव्या जी, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। नेहा जी, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है आपका दुख बांटने के लिए, लेकिन आप आई हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप एक बार प्लीज बताइए क्या हुआ था। मेरे ब्रदर समरवीर सिंह फिलोसफी डिपार्टमेंट हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे थे पिछले 7 साल से, और बहुत डेडिकेटेडली वो अपनी जॉब करते थे, बहुत पैशनेट थे, ही यूज टू लव इस सब्जेक्ट, ही यूज टू लव टीचिंग, और उनको एकेडमिक्स में ही जाना था शुरू से, उनको हिंदू कॉलेज से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल एसोसिएशन भी था। और एक दिन सडनली एक ऐसी पॉलिसी आती है, 8 साल से अगर मेरे ब्रदर वहाँ पढ़ा रहे हैं तो उनको ये जॉब कैरात में नहीं दी गई थी। अंडरस्टूड सी बात है कि वो काबिलियत तो थी, तब वो 8 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे, उनके सब स्टूडेंट्स उनको पसंद करते थे, उनके कलीग्स उनको पसंद करते थे, एंड सडनली एक ऐसा फरमान आता है, जस्ट 4 मिनट्स का एक इंटरव्यू लिया जाता है और उनको ऐसे एक सेकंड में डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि पहली बात तो ये पॉलिसी की बुनियाद ही गलत है, ये इस पॉलिसी की बुनियाद ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई अपनी जिंदगी के इतनी पैशन से, इतने समर्पण से 8 साल वहाँ सर्विस दे रहा है, और उसके बाद एक दिन में मेरे भाई को निकाल दिया गया। वो बहुत सेंसिटिव थे, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस दिन उनको निकाला, उसने बोला, दिव्या, हिंदू कॉलेज मेरे लिए एक फैमिली की तरह था, और एक सेकंड में इन्होंने मुझे निकाल के सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। क्या मैं इतना नाकाबिल था? और अगर मैं इतना नाकाबिल था तो 8 साल से मैं यहाँ कैसे पढ़ा रहा था? वो 8 घंटे ड्यू हिंदू कॉलेज के बाहर बस स्टॉप पे बैठ के रोए है मेरा भाई। कैसे कैसे मैंने उसको संभाला है, मेरी फैमिली ने उसको संभाला है, मेरे फादर उसके पास गए, बट वो इंटरनली वॉज लाइक कॉन्टिन्यूसली इन डिप्रेशन। वो अपने, उसका इतना सेल्फ इस्टीम हर्ट हुआ था, प्लस वो बहुत सेंसिटिव था, उसको बहुत ज़्यादा वो इमोशनली शैटर्ड फील कर रहा था, एंड ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस एकेडमिक लेवल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो एक माइली होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में नहीं आना चाहता था, वो डी यू में ही रहना चाहता था कि नहीं दिव्या, मुझे वहाँ का वो एकेडमिक लेवल, वो सब माइली, वो सब बहुत अच्छा लगता है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं डी यू में ही रहना चाहता हूँ। एंड 8 साल से आपको एक आदत हो जाती है, आपका एक कंफर्ट जोन होता है,
भाई को निकाला से। अच्छा वो संभलने की कोशिश कर रहा था, वो संभलने की कोशिश कर रहा था, उसने और जगह वो मुझको कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहे थे। मैंने बोला था समर तेरे लिए उम्मीद है, तू काबिल है, लाइफ में उम्मीद है, सब कुछ अच्छा होगा। एंड आई थिंक एमजी गर्ल्स कॉलेज में उसका गेस्ट लेक्चर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन एट दैट टाइम अगेन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि आ गए ओके हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल मैम का कॉल आता है उसके पास, वो उसको बोलती है कि समर वीर आप कल आइए और हम आपको वापस से लेना चाहते हैं। सो जस्ट बिकॉज समर को हिंदू कॉलेज से एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट था और उस इसलिए उसने हिंदू कॉलेज को प्रेफरेंस दी, उसने उधर गेस्ट फैकल्टी पे ज्वाइन ना करके वो हिंदू कॉलेज आया और उसकी आवाज़ में भी उस दिन एक अलग बात थी, वो खुश था, उसके लिए वापस एक उम्मीद की किरण थी। और उसने बोला कि दिव्या प्रिंसिपल मैम ने मुझे वापस एडहॉक पे लेने के लिए हाँ कर दिया है, जब तक कि मेरा मतलब कहीं और सिलेक्शन नहीं हो जाता है दिव्या, 2-3 साल तो मेरे लिए अब एक ऑप्शन हो गया है और मैं कंटिन्यूअसली साथ में मे भी बाहर पढ़ने के लिए भी ट्राई करूंगा डेडिकेटेडली, मैं अपना अब अच्छे से जो भी है वो परस्यू करूंगा। बट एक बार के लिए उसको जो डिप्रेसिंग फेज था उसके उससे निकल के उसको ऐसा लगता था कि उसको एक जमीन मिल गई है। लेकिन ये उसके साथ एक इतना भद्दा मजाक था मेरे भाई के साथ कि 15 दिन बाद उसको बोला जाता है कि आप वापस से निकाले जाते हैं। दिस टाइम पहले टाइम उसने शॉक बर्दाश्त किया, बट दिस टाइम वो पूरी तरह से शैटर्ड हो गया था, वो इतना रोया था मेरे साथ फोन पे। द लास्ट कन्वर्सेशन आई हेड विद हिम आई एग्जैक्टली रिमेंबर हिज ईच एंड एवरी वर्ड ही वॉज टेलिंग मी, दिव्या मुझे ये बताया गया इस यूनिवर्सिटी ने, इस कॉलेज ने मुझे ये बताया छोटे से कस्बे से निकल के मैं कैसे यहाँ पहुँचा अपने सपने अपने अरमान लेके, और इन्होंने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल नाकाबिल हूँ। दिव्या मुझे कुछ नहीं आता है, मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे मेरी हैसियत बताई गई है, मुझे फिलॉसफी नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम जस्ट नोबडी दिव्या। सो आई थिंक मैं बिल्कुल गलत ट्रैक पे था, अब मुझे सिर्फ नॉन इंटेलेक्चुअल काम करना है, मुझे कहीं पियॉन की जॉब दिला दूँ या मैं शायद कोई नरेगा में मजदूरी कर लेता हूँ या मैं चाय की एक दुकान खोल लेता हूँ। दिव्या मैं बिल्कुल बदकिस्मत हूँ, मेरी बुद्धि खत्म हो गई है, मेरे पैशन मेरे समर्पण का मेरी जॉब का फिलॉसफी को लेके मेरे पैशन का मुझे ये सिला मिला है, आज मैं खत्म हो चुका हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। और वो इतना नेगेटिव हो चुका था, वो इस सदमे में इतना टूट चुका था, एटलीस्ट अगर दोबारा उसके साथ ये सब ना होता ना मेरा भाई बच जाता, शायद वो दूसरी जगह जहाँ उसका गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन हो गया था, अगर वो वहां ज्वाइन कर लेता आज मेरा भाई मेरे बीच होता। हमने क्या खोया वो हमको पता है, एंड अपेरेंटली ये पॉलिसी का जो जेनेसिस है वो जस्टिफाइबल नहीं है। 8 साल से 10 साल से 12 साल से अगर कोई एडहॉक्स पढ़ा रहे, वो मुझसे बोलता भी था दिव्या ये इंडस्ट्रीज है, अगर इनको कम से कम कुछ नहीं तो शायद उनके एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को कुछ वेटेज ही देना चाहिए था, कुछ तो वेटेज देना चाहिए था। अगर वो इतने वक्त से वहाँ पढ़ा रहा था ऐसे कैसे कि वो एक लाइफ स्टाइल इंसान पूरा वो अकोमोडेट कर लेता है और एक दिन में आप उसको सड़क पे लाके खड़ा कर देते एज इफ वो किसी काबिल नहीं है, नथिंग, किसी काबिल नहीं है वो। और जो इंटरव्यू प्रोसेस था उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया, जितनी बार मेरी पिछले महीनों में उनसे बात हुई हमेशा उनका यही था कि पता नहीं किस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं, कनेक्शंस के थ्रू हो रहे हैं, किस चीज़ के थ्रू हो रहे हैं। इवन आफ्टर ही वाज रिमूव्ड व्हेन ही ट्राइड टू टॉक टू हिज कॉलीग्स, जब उन्होंने हेल्प लेने की कोशिश करी समझने की कोशिश करी ये हुआ क्या, उनको यही बताया गया कि अपेरेंटली पहले से ही कोई लिस्ट आ जाती है सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन बनेंगे इस बार परमानेंट कौन, इसके पीछे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इसके पीछे क्राइटेरिया नहीं है ऑफ एबिलिटी ऑफ द लेवल ऑफ स्किल्स दैट ही हैज। जी नंदिता जी, स्नेहा जी आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। नंदिता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी नंदिता जी, 8 साल से एक प्रोफेसर फिलॉसफी पढ़ा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश की एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हिंदू कॉलेज में 7-8 साल से एक प्रोफेसर फिलॉसफी पढ़ा रहा है, और आप इंटरव्यू करते टाइम 2-2.5 मिनट 4 मिनट के इंटरव्यू में उसको ये बताया जाता है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आप लायक नहीं है परमानेंट जॉब के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एकदम मैं मानती हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ये इसके जिम्मेदार सबसे पहले हमारा एक नया UGC रेगुलेशन जो आया 2018 में, जिसमें पहले इंटरव्यू को सिर्फ 20% वेटेज दिया जाता था रिक्रूटमेंट में 2010 के रेगुलेशन में, लेकिन 2018 में जो रेगुलेशन ये नई सरकार आई
उसमें इंटरव्यू को 100% वेटेज दिया जा रहा था, उसमें लिखा था, तभी हमें पता चल गया कि इंटरव्यू को मैनिपुलेशन की तरह यूज किया जाएगा। हमने इसका विरोध भी किया, हमने कहा कि आप उनके टीचिंग एक्सपीरियंस को कैसे नहीं गिनेंगे। डूटा का डिमांड था, मैं बहुत साल डूटा की प्रेसिडेंट थी 2013 से 17, हमने कभी किसी एडहॉक टीचर को बाहर निकलने नहीं दिया। उनकी गलती नहीं थी कि इंटरव्यूज ही नहीं किए गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दसों सालों से, वो एडहॉक थे तो उनकी गलती नहीं थी। और हमारे बेहतरीन टीचर्स एडहॉक पोजीशन में फंसे थे, वैसे ही उनको हर 4 महीने की के बाद रिन्यू कराना पड़ता था, उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, उनको लीव बहुत कम मिलती थी, उनको बिल्कुल अपनी आवाज दबा के बात करनी पड़ती थी। ये सब उनको ह्यूमिलिएशन सहते हुए पूरी यूनिवर्सिटी का काम वही संभाल रहे थे जैसे समरवीर भी संभाल रहे थे, कि चाहे वो पढ़ाने का काम हो या एक्स्ट्रा करिकुलर काम हो, ना नैक का या IQAC का, कॉलेज का सारा काम हमारे एडहॉक टीचर संभाल रहे थे, इवैल्यूएशन कर रहे थे, पेपर बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और डूटा का यह डिमांड था कि आप इस रेगुलेशन के लिए जगह एक वन टाइम रेगुलेशन लाएं जिसमें सारे हमारे एडहॉक टीचर्स परमानेंट किए जाएं बिना फ्रेश इंटरव्यू के, क्योंकि उनका हक है जब इतने सालों से उनका है और बेहतरीन काम किया है कॉलेज में कि उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट मिले। लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी और अल्टीमेटली जब वो एक तरीके से आप ही का फेलियर हो गया ना, क्योंकि एक टीचर को आपने एडहॉक पे रखा, उसको आपने पढ़ाने दिया, कितने बच्चों को 8 साल में 10 साल में एक टीचर अपने नीचे से पढ़ा के निकालता है, और फिर आप एकदम से बोलते हैं और सडन कि आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा सर फिर से परमानेंट होने के लिए, और चलिए प्रोसेस के थ्रू भी जाना है तो आप कहते हैं कि नहीं हमको इंटरव्यू में आप कॉम्पिटेंट नहीं लग रहे हैं। ये तो मतलब एक बेतुकी सी बात हो गई, ये नाइंसाफी है। कहीं भी इंटरव्यू को 100% वेटेज नहीं दिया जाता है, वहीं से शुरुआत होती है। और फिर इस इंटरव्यू में इनको जिस तरह से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, मैं वाइस चांसलर को भी जिम्मेदार मानूंगी कि वाइस चांसलर ने जिस तरह के नाम भेजे एक्सपर्ट्स के लिए, ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया, जो बेस्ट प्रोफेसर पूरे देश में है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उनको जानबूझ के नहीं बुलाया गया। दूर दूर के अननोन लोगों को, कई जगह उनके क्लियर पॉलिटिकल अफिलिएशंस थे रूलिंग पार्टी के साथ, ऐसे लोगों को एक्सपर्ट्स के तौर पे बुलाया गया एक नियोजित तरीके से। आपने प्लान बनाया कि जो बेहतरीन टीचर्स इतने सालों से पढ़ा रहे हैं उनको बाहर करके अपने मनपसंद लोगों को 2-2 मिनट के इंटरव्यू के बाद रखेंगे। इसमें क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं देखा गया, उनके कनेक्शंस देखे गए। ये हमको रिपोर्ट्स मिल रही हैं अलग अलग कॉलेजेस से, हमारे कई कॉलेजेस में 90% तक जो एडहॉक थे वो डिस्प्लेस कर दिए गए। जब ये हंसराज कॉलेज में शुरू हुआ तो हम बहुत ही ज्यादा अलार्म हुए कि हमें ये खबर मिल रही है कि इतने मैसिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 15-15, 20-20 साल लोगों ने पढ़ाया है, उनको भी बाहर किया गया। और इसके बाद फिर रामजस में हुआ, लक्ष्मीबाई में हुआ, और बहुत सारे कॉलेजेस में मैसिव डिस्प्लेसमेंट चल रही है और बहुत लोग अत्यंत मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिलीज ट्रॉमेटाइज हो गई, उनके माँ बाप ट्रॉमेटाइज हो गए हैं, और समरवीर भी उनमें से एक थे। बहुत सारे यहाँ पे समरवीर हैं हमारी यूनिवर्सिटी में और इनके साथ ये जबरदस्त नाइंसाफी की जा रही है। ये ह्यूमन ट्रेजेडी भी है और एकेडमिक ट्रेजेडी है। उन कॉलेजेस से जो बेस्ट टीचर्स हैं, जो आपके सबसे ज्यादा रिसोर्स हैं, जिन्होंने इतने एक्सपीरियंस के बाद पक के वो बने हैं, आप उन्हीं को बाहर करेंगे तो कॉलेज कैसे चलेगा, उन कॉलेजेस का काम कैसे चलेगा। स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई है जिनको अपने बेहतरीन टीचर्स खोने पड़ रहे हैं इस तरह से, तो पूरी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है और इसके पीछे एक सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये मैं मानती हूँ कि जबरदस्त ट्रेजेडी है। डूटा को जो रोल प्ले करना चाहिए कि लड़ना चाहिए था जा के हर कॉलेज में कि जो हमारे साथी हमारे मेंबर लगे हैं आपके यहाँ उन्हीं को परमानेंट करो, ये काम डूटा ने नहीं किया, क्योंकि डूटा लीडरशिप भी 2021 से रूलिंग पार्टी के साथ अलाइंड है और वो लड़ नहीं रही है जिस तरह से उसको लड़ना चाहिए। तो हमारा ये डिमांड है कि एक तो कोई मतलब ऐसे दोबारा से किसी के साथ ना हो, और दूसरा ये है कि जितने लोग बाहर किए गए उनको रीइंस्टेट जहां जहां पे जिस कॉलेज में ओपन पोजीशन हैं अभी, और बहुत ओपन पोजीशन हैं क्योंकि एडहॉक कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं साथ ही, ये एक और चीज हुई है, अब सिर्फ गेस्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। मैं रिटायर होंगी तो मेरी जगह गेस्ट लगेगा जो पार्ट टाइम टीचर है, आधी आमदनी उसकी है, तो एडहॉक अपॉइंटमेंट भी शुरू हो और जो लोग निकले हैं उनको तुरंत
रिप्लेस किया, रीइंस्टेट किया जाए, कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है। वाइस चांसलर में ये हुआ है जी नंदिता जी। और डीयू के अलग अलग कॉलेजेस में, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा पिछला वाला ग्राफिक एक बार फिर से दिखाया जाए कि डीयू के अलग अलग कॉलेजेस में 50%, रामजस कॉलेज में 60-70% तक एडॉक्स को रिमूव किया गया। पूरी लिस्ट आप लोग स्क्रीन पे सब देख रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से, ये सब बड़े नामी कॉलेजेस हैं और एडॉक्स में लार्ज अमाउंट ऑफ टीचर्स मौजूद हैं, यहाँ पे प्रोफेसर मौजूद हैं। स्नेहा जी मैं जानता हूँ आप दोनों के लिए बहुत भावुक क्षण है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा स्नेहा कि जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, समरवीर अब नहीं है हमारे बीच में, क्या हिंदू कॉलेज ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने या प्रिंसिपल ने या किसी भी व्यक्ति ने एक्स वाई जी ने जो जिम्मेदारी ले सकता हो हिंदू कॉलेज के प्रोफेशन एडमिन की तरफ से या दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी ने आप लोगों से संपर्क किया, किसी तरह की कोई बातचीत आप लोगों से करने की कोशिश की स्नेहा? नहीं, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने संपर्क करा, ना ही हमें किसी भी प्रिंसिपल ने, स्टाफ ने, किसी ने भी संपर्क करा। नॉट ओनली दैट, अब सबको पता है हिंदू कॉलेज में अभी फेस्टिवल चल रहा है, वी अंडरस्टैंड कि लास्ट मिनट में फेस्टिवल कैंसिल नहीं हो सकता है, बट एक बेसिक कंडोलेंस स्पीच या फिर प्रिंसिपल की तरफ से 2 मिनट का साइलेंस भी नहीं रखा गया। इंस्टेड ही वाज सीन डांसिंग एट द फेस्टिवल, ही वाज नॉट इवन मेंशनड ऑन द स्टेज ऑफ हिंदू जी। किसी तरह का कोई आप लोगों से संपर्क नहीं करने की कोशिश की गई? बिल्कुल कोई संपर्क नहीं करा गया, nobody even spoke about it at the festival or at any event or at any official forum। जी नंदिता जी कुछ कहना चाह रही हैं? I just want to add here, जी एक ऐड कर दूं मैं कि वहां के स्टाफ एसोसिएशन ने एक कंडोलेंस मीटिंग की थी 1 बजे अगले दिन, मैं भी वहां गई थी, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बुलाया था, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, और मैं भी उस कंडोलेंस मीटिंग में गई थी। लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा था कि एक फेस्टिवल चल रहा है, आफ्टर ऑल अगर वो करेंटली टीचर होते कॉलेज में तो क्या फेस्टिवल कैंसिल नहीं हो सकता था? ऐसी क्या बात है फेस्टिवल में कि फेस्टिवल कैंसिल नहीं हो रहा है? और दूसरा ये है कि मैं 11 फरवरी को समरवीर से मिली थी, मुझे पता चला, मैं पहले से नहीं जानती थी इनको, लेकिन मुझे पता चला कि वो डिस्प्लेसमेंट एक हुआ है फिलोसफी में, मैं गई वहां पे, मैंने फोन किया उसे, मैं उससे मिली भी, मैं TIC से भी मिली टीचर इंचार्ज से, और पूछा कि क्या से क्यों हो रहा है ऐसा। मुझे कुछ ज्यादा वहाँ पे पता नहीं चल पाया, फिर बाद में समरवीर ने बताया कि मुझे एडहॉक शायद ऑफर हो रही है, और मुझे बुरा लगता है कि मैं उसके बाद उसके साथ इन टच में नहीं थी, क्योंकि हम लोग भी फिर कहाँ कहाँ हर जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम लोग भी बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, और डूटा की तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। मैं बहुत शर्म के साथ ये कह रही हूँ। एक और कॉलीग ने मुझे बताया उनके कि वो इंडियन फिलॉसफी के जां पॉल सार्त्र थे, इतने ब्रिलियंट माइंड के थे, और ऐसे ब्रिलियंट माइंड को हमारे देश को और दुनिया को क्यों खोना पड़ा? तो ये बहुत ही जबरदस्त क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज एंड द स्टूडेंट्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ सच अ वंडरफुल टीचर। जी फिलॉसफी के प्रोफेसर थे समरवीर जी, और फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन। आप अलग अलग दार्शनिकों को पढ़ते हैं और वो तो खुद पढ़ाते थे 8 साल से, तो एक ऐसे व्यक्ति का जब आप उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ते हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से इतना कमजोर हुआ है, तो आप लिहाजा अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम की कितनी बड़ी कमियों का वो शिकार हुआ, सिस्टम की कितनी बड़ी लूप होल्स का वो शिकार हुआ। दिव्या आपकी जब इस पूरे इंसिडेंट से, जैसे उन्होंने बताया कि हिंदू कॉलेज से उनको कॉल आया और दोबारा कहा गया कि भाई हम आपको दोबारा एडहॉक के लिए ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार उनको बताया गया था कि अब आप शायद कंटिन्यू ना कर पाए, आपकी उनसे बात होती थी, किस बारे में बात होती थी, वो क्या आपको बताते थे, क्या वो शुरुआत से इस चीज को, क्योंकि आइडिया लग गया था उनको कि अब हिंदू कॉलेज उनको शायद कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, फिर आपने बताया कि गेस्ट टीचर भी उनको कहीं अपॉइंट कर दिया गया था। फर्स्ट टाइम जब हिंदू कॉलेज उसका आई थिंक 9 या 10 फरवरी को इंटरव्यू था परमानेंट के लिए, तो नेचुरल सी बात है, एटॉक्स को जिस पोजीशन में डाला गया था, ही वाज स्केयर्ड, ही वाज फीलिंग इनसिक्योर कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग ऑल्सो, पढ़ाई भी करा था, सब कुछ करा था, एंड स्टिल ही वाज होपफुल कि यार दिव्या मैंने बहुत डेडिकेटेडली
यहाँ पे काम किया है, ओबीसी कैंडिडेट था वो, ओबीसी एक सीट थी अलग से एंड आई थिंक 4 सीट थी, एंड उसको लगा कि मैं सिंगल पर्सन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इनसाइडर, सो दे आर हाई चांसेस मेरे अपने कॉलेज में होने के, मेरे हाई चांसेस थे. इवन ही वाज हाईली होपफुल, बोल रहा था दिव्या मैं परमानेंट हो जाऊंगा उसके बाद, मैं अब मैं खुद का कहीं दूर चाहे 1 BHK से एक फ्लैट ले लूंगा, फिर मैं मम्मी पापा को अपने पास बुला लूंगा दिव्या, फिर मेरी एक सेटल लाइफ होगी. हम एडॉक्स की कोई लाइफ ही नहीं है, काफी ज्यादा एक्सप्लोटेशन भी होता है, कोई लीव नहीं होती है, कोई ब्रेक नहीं मिलता है, क्लरिकल काइंड ऑफ वर्क्स करवाए जाते हैं, बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, बट स्टिल ही वाज हाईली होपफुल टू, बट ऑफ कोर्स नेचुरली ही वाज लिटिल बिट स्केयर्ड एंड इनसिक्योर, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था. इवन हमको भी उसकी काबिलियत पे पूरा भरोसा था, मैं उसको बचपन से जानती थी ऑनेस्टली, वो इतना डेडिकेटेड था फिलोसफी के लिए, एंड वो एक इतना सडन झटका था, एंड कॉन्टिन्यूसली नेचुरली हम बराबर के भाई बहन है, वो मुझसे डेली शेयर करता था, ऑलमोस्ट डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी बात होती थी, एंड वो कॉन्टिन्यूस नेगेटिविटी एक लूप में जा रहा था, एक डिप्रेशन में जा रहा था, उसको लग रहा था कि मतलब वो उसको ये चीज़ ऐसे स्ट्राइक कर गई थी कि ऐसे कैसे एक 4 मिनट में मेरे 8 साल की मेहनत को एक 4 मिनट में एक ऐसी प्रोसेस जो ट्रांसपेरेंट नहीं है मुझे इस तरीके से निकाल के सड़क पर ला दिया गया. दिस इज़ रियली डिसहार्टनिंग, दिस इज़ रियली इनसेंसिटिव, वो चीज उसको तोड़ रही थी अंदर ही अंदर. तो मीनवाइल उसको ये फिर से बुलाया गया, ये चीज बहुत ज्यादा मुझे लगता है ट्रिगर पॉइंट हो गया, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली फ्रेंड सब उसके साथ थे, उसको संभाल रहे थे. ऑफ कोर्स अगर जॉब भी जाती है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस था, कोई जान नहीं देता है, जॉब भी जाती है तो वो हमारे लिए बहुत अहम था, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था. और दोबारा जब उसके साथ ये भद्दा मजाक हुआ है, इससे अच्छा वो शायद वो MG गर्ल्स कॉलेज में गेस्ट पे ज्वाइन कर लेता, मेरा भाई जिंदा होता. एंड दैट इज वाई ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया गया, ये अन्याय है, कोई माने नहीं माने ये अन्याय है, मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है, उसकी जान चली गई. और वो बोल भी रहा था ये पूरा प्रोसेस कितना गलत है, उसको कई जगह से कॉल्स आ रहे थे, और GDU में भी उसके जो भी कॉन्टैक्ट है सब लोग बता रहे थे समरवीर पहले से सब कुछ फिक्स्ड है, यहाँ पे सब कुछ अलग लेवल पे चल रहा है, प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, और तुम्हारा तो कोई अप्रोच भी नहीं है. एक छोटे से कस्बे से निकल के मेरा भाई एक साधारण से हिंदी मीडियम स्कूल से और कॉलेज से पढ़ के बड़े बड़े सपने लेके सिर्फ अपने दम पे वहाँ पहुंचा था, उसने एक्सेल किया अपने एकेडमिक्स में, अपना पूरा 100% दिया, उसका सपना था DU में पढ़ना, 12 जैसे छोटे से कस्बे से निकल के जहाँ पे लोग अच्छे से जिनको नाम भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी कोई जगह, लेकिन उसका इतना पैशन था अपने खुद के इनर, उसका वो पैशन था, वहां पहुंचा, वहां पढ़ा, वहां पढ़ाया उसने, और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ. मेरा भाई नाकाबिल नहीं था, वो बहुत डिजर्विंग था, और उसकी जान चली गई इस एक अन्यायपूर्ण पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी की वजह से मेरे भाई की जान गई. नंदिता जी, ये क्या पॉलिसी है? क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी कुछ टाइम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिखा कि भाई जी आपके पास जो 70% एडहॉक हैं आप उन्हीं को परमानेंट कीजिए इसके अलावा, लेकिन वो खुद अपने अंडर जो उनके अंदर यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके अंदर वो उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नंदिता जी, अगर आप क्योंकि आप ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, इसको आप एकेडमिक प्रोसेस कह ही नहीं सकते. और जिस तरह से आपने सुना है वैसे मैंने भी हर जगह से यही सुना है कि पहले से नाम तय हो जाते हैं, जहां पे टीचर इंचार्ज और प्रिंसिपल लड़ मरते हैं और चेयरमैन मिल जाते हैं और लड़ मरते हैं अपने टीचर्स के लिए, वहां पे काफी हद तक टीचर्स को बचाया भी गया पहले, जैसे कि अब तो KM में भी शुरू हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन KM कॉलेज में 90% पहले टीचर्स को हम अब्सॉर्ब करवा पाए, और भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में, इसी हिंदू कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में उनके TIC भी लड़ लड़ के उन्होंने अपने सारे एडहॉक्स को परमानेंट आया. तो जहां जहां पे ये बहुत भरसक कोशिश हुई कहीं कहीं पे हमको सक्सेस मिला, लेकिन हमको ये क्यों लड़ना पड़ रहा है एक्सपर्ट्स के साथ? क्यों एक्सपर्ट्स एक माइंड बना के आ रहे हैं? क्यों उनको सबको बाहर से बुलाया जा रहा है जबकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो जानते हैं अपने टीचर्स को, उनके काम को जानते हैं, और वो शायद इतने इस आसानी से उनको पूरी तरह से बाहर नहीं फेंक पाते, इसीलिए जानबूझ के बाहर के दूर दूर के यूनिवर्सिटी से अननोन लोगों को और एक पॉलिटिकली इंक्लाइंड एक तरह के लोगों को बुलाया गया कि एक यहाँ पे पॉलिटिकल तरह की अपॉइंटमेंट्स हो. तो जो अच्छे टीचर्स भी हैं उनको भी कोशिश करनी पड़ रही कि मेरा कोई अप्रोच है कि नहीं, मेरा कोई कॉन्टैक्ट है कि नहीं, मेरा कोई माई बाप है कि नहीं,
ये कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और आप ये बता तो भी कह रही हैं कि ये सब एविडेंट है, ये सब स्पेकुलेशंस नहीं है, ये एविडेंट है जिस तरीके से आप बता रही हैं कि चीजें दिख रही हैं, सबको नजर आ रही हैं और देश की राजधानी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर हो रहा है ये उनकी नाक के नीचे। और दो दो चार चार मिनट के इंटरव्यू में क्या पता चलेगा आपको, और आप पहले से अगर लिस्ट है तो उसका मतलब है कि आप बिल्कुल एक फार्स बना दिया इंटरव्यू को, और आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि उस टीचर के मानसिक स्थिति पे क्या इसकी हालत क्या प्रभाव होगा इसका, आपने जरा सा नहीं सोचा कि स्टूडेंट्स का क्या होगा कि उनको इतने अच्छे टीचर्स अगर उनके बिल्कुल बीच सेमेस्टर में निकाल के फेंक दिए गए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रामजस कॉलेज में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रिंसिपल ने उनकी आवाज दबाई, केएम कॉलेज में प्रोटेस्ट करें तो उनकी आवाज दबाई गई। तो ये हमारी यूनिवर्सिटीज को एक सिनिकल तरीके से यूज किया जा रहा है एक आइडियोलॉजिकल टेक ओवर के लिए, और आप अगर प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पॉलिटिक्स इसके पीछे चल रहा है और क्यों कोई विरोध भी नहीं हो रहा है जो डूटा की तरफ से होना चाहिए, सड़कों पे जाके विरोध होना चाहिए इसका, हम लोग होने नहीं देते अगर लीडरशिप में होते, लेकिन ये हो रहा है, ये पूरी मिली भगत है सबकी, उसकी वजह से हो रहा है। और मैं क्या कहूँ, मेरा सर शर्म से डूब रहा है और इतना दुख है कि हम लोग का रो रो के बुरा हाल हो गया, बहुत सारे टीचर्स रो रहे हैं आपके साथ, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या और क्यों ऐसे हुआ, हम होप कर रहे थे कि ऐसा ना हो, लेकिन इतनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन पूरी यूनिवर्सिटी में आपके देखिए कई कई 100 टीचर बाहर कर दिए गए हैं और उनकी पूरी फैमिलीज बर्बादी के उस पे कगार पे आ गई हैं, तो उनका क्या होगा, उनको कौन रेस्क्यू करेगा इससे। जी 301 एडहॉक टीचर्स 425 में से पिछले 6 महीने में बाहर निकाले गए, खैर ये फिगर मेरे ख्याल से और बढ़ गया है कुछ दिनों में। जी और सैलरी भी नहीं मिल पाती, सैलरी का लेकर भी दिक्कत रहती है नंदिता जी एडहॉक्स को, अक्सर हम देखते हैं स्ट्राइक होते हैं डूटा के कि सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है एडहॉक टीचर्स की। नहीं हमारी बहुत सारी स्ट्राइक्स अब्सॉर्प्शन के लिए भी हुई हैं, हमारे पिछले कुछ सालों में मेजर स्ट्राइक्स हमारे के अब्सॉर्प्शन हमारा एक बहुत बड़ा डिमांड रहा है और कई सालों से हम लोगों ने कई स्ट्राइक्स इसी के लिए की हैं, लेकिन अभी जो लीडरशिप है वो रूलिंग पार्टी के साथ अलाइंड है बीजेपी के साथ, तो वो इस मामले में जिस तरह से लड़ना चाहिए नहीं लड़ रही है जी। वो कहते हैं कि जो निकल जाते हैं उनकी कोशिश करेंगे कहीं और लगाने की, लेकिन अगर वो कोशिश कर सकते हैं उनको कहीं और लगाने की तो उसी कॉलेज में क्यों नहीं कोशिश करके लगवाया जहाँ पे मैक्सिमम चांस था, और जगह आपकी पहुंच है तो आप और जगह अगर लगा रहे हैं उनको गेस्ट लगा रहे हैं या कहीं और परमानेंट करवा रहे हैं तो उसी शुरुआत ही क्यों हुई, कॉलेज ने तो फेस्टिवल तक कैंसिल करना या डिले करना ठीक नहीं समझा, आप बात कर रहे हैं कि कहीं और लगवा देंगे, इतना अगर केयरिंग होता कॉलेज या एडमिनिस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल में डूटा के रोल की बात कर रही हूँ जो पूरी यूनिवर्सिटी में जिसकी एक साख है और एक पकड़ है और एक उसका एक क्रेडिबिलिटी है, उनको जो करना चाहिए सड़कों पे आके, हम लोग सड़कों पे आके 2016 में हम लोगों ने महीने भर हम सड़क पे थे, हमारे 5000 टीचर निकाले जा रहे थे क्योंकि पोस्ट कम कर दी थी, हमने वो रोका, उस पॉलिसी डिसीजन को रिवर्स करवाया, सरकार को वापस लेना पड़ा, तो अगर डूटा चाहती तो लड़के ये रोक सकती थी, और जब चार चार पोस्ट है वहां पे और अगर आप उसमें से एक में भी अपने जो अपनी इंटरनल टीचर को नहीं रख सकते ये तो शर्म की बात है, हम लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए हम सबको जी, जिस तरह से ये हुआ है ये क्राइम हुआ है जी। दिव्या जी स्नेहा जी हालांकि आपका जो नुकसान है जो आपका लॉस है उसको किसी भी कीमत पर कोई भी शख्स इस दुनिया में पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जैसा आपने बताया कि कॉलेज की तरफ से कोई आपकी आपके साथ कोई संवाद नहीं किया गया, ना ही किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने आपसे संवाद किया, चाहे वो दिल्ली की सरकार से कोई हो या केंद्र सरकार से कोई हो, बहरहाल उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन स्नेहा जी आप लोग क्या अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से कि किसी तरीके का कोई जस्टिस आप लोगों को या कंपनसेशन तो नहीं दिया जा सकता किसी भी सूरत हाल में, कोई लीगल एड आप लोग देख रहे हैं कि लीगली अब आप इस मामले में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करवाना चाहेंगे या क्या आपकी उम्मीद है अब? सर जस्टिस तो इस केस में अब हो ही नहीं सकता है, अगर जस्टिस होगा तो जो और एडहॉक्स है जिनके साथ में ये चीज हो रही है अगर ये स्टोरी कहीं ना कहीं उनकी बात को भी सामने ला पाए, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर जस्टिस, जो होना था वो तो हो चुका है, नथिंग कैन ब्रिंग हिम बैक।
And like ma'am has pointed out, it is a loss for the nation. If this is how the country treats our academicians, जो लोग छोटी छोटी जगहों से हर चीज पढ़ लिख कर समझ कर वहां पर अपने दम पर पहुंचे हैं एग्जाम्स क्लियर करके, उनको आपने रिक्रूट करने के लिए अगर 100% वेटेज दी है फॉर एन इंटरव्यू एंड दैट इंटरव्यू लास्ट फॉर 4 minutes एंड यू आर थ्रोन आउट, द एंटायर कॉलीग्स, द एंटायर स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग आउट ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर सेइंग दैट दिस प्रोफेसर वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स दैट वी एवर हैड. उसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही है बात, तो इसके बियॉन्ड तो हम क्या ही जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मतलब आई थिंक हमने तो हार मान ली है, वी हैव लॉस्ट ऑल होप. आप कोई लीगल एक्शन, लीगल एड के लिए जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिसी के अगेंस्ट जिसका आपने जिक्र किया? राइट नाउ द इंसिडेंट इज वेरी फ्रेश, तो हमने अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है. अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है एंड वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग. उसके बाद में अगर हमें लगा तो मे बी हम ऐसा कुछ प्रोसीड कर सकते हैं. जी दिव्या, आप कुछ कहना चाहते हो दर्शकों से? एक बहन क्या गई जिसने अपना भाई खो दिया. और इनजस्टिस हुआ है. मेरा भाई बहुत इनोसेंट था, बहुत पैशनेट था फिलोसफी को लेके. उसका ड्रीम उसकी आंखों के सामने क्रश हुआ है ब्रूटली, और उसने इस चीज को बहुत दिल से लगा दिया, सदमा लगा उसे. और शायद एक बार वो मूव ऑन कर लेता, ये जो दोबारा उसके साथ मजाक हुआ है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका. और मेरे लिए तो ये इररिपेरेबल लॉस है. मैं अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकती. मेरा भाई कितना तड़प तड़प के गया. वो उसको लाइफ से इतना प्यार था, छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व करता था. उसका ड्रीम था एक दिन सलमान रश्दी की तरह इस वर्ल्ड का एक बड़ा राइटर बनना. वो एक नॉवेल पे वर्क कर रहा था. वो इतना अच्छा लिखता था, इतना अच्छा गाता था, फुल ऑफ लाइफ था मेरा भाई. बहुत खुश था वो जब 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 मैं दीव जाती थी, वो खुश होता था. दिव्या ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा फैमिली है. उसकी पूरी लाइफ था वो, जो उसे एक दिन में एक सेकेंड में छीन ली गई. और उसके बाद वो इतना शैटर्ड हुआ. और कैसे उसने, आसान नहीं होता अपने आप को फांसी लगाना. I've lost him because of this brutal policy and this is sheer injustice. नंदिता जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका? देखिए, देयर इज नो कॉम्पेंसेशन पॉसिबल फॉर सच अ टेरिबल लॉस. फैमिली के लिए तो ये बिल्कुल ही इररिप्लेसेबल है. मैं सिर्फ अपनी सॉलिडारिटी और कंडोलेंस और पूरी मतलब हमदर्दी और ये एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि हम बहुत कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अभी जो अगर कम से कम इससे एक लेसन जाए कि जितने और अभी बहुत सारे समरवीर हमारी यूनिवर्सिटी में इसी स्थिति में जूझ रहे हैं, अगर इसकी वजह से उस पर रोक लगाई जाए और उनके साथ ये अन्याय ना हो, तब इसका कोई मायने होगा. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिव्या जी से, स्नेहा जी से, हमारे साथ संपर्क में रहें. वैसे नहीं जानती थी समरवीर को, लेकिन वो भी मेरे छोटे भाई की तरह था. और इत्तेफाक की बात है कि उससे मेरी मुलाकात एक्चुअली हो गई, तो मैं वो भूल नहीं पा रही हूँ वो दिन. और मुझे बहुत ही बड़ा लॉस मेरे लिए मुझे लग रहा है. और मैं ये भी बता दूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं चाह रही थी बल्कि 18 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्स की थी, फिर मुझे कोविड हो गया. तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करते तो शायद उसको लगता और उसकी तरह और लोगों को लगता कि कुछ तो उसके लिए हो रहा है, कुछ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, कुछ हम करेंगे. लेकिन हम कर नहीं पाए, कोविड में ग्रस्त हो गए. और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 2 मई को होने वाली है, ट्यूजडे को, और उसमें अलग अलग कॉलेजेस के टीचर्स आएंगे और अपनी बात रखेंगे. और ये जो बहुत बुरा हादसा हमारे साथ हुआ है, इसको भी उसके बारे में बात हम रखेंगे. और ये डिमांड करेंगे कि आगे ऐसा ना हो. और जितने भी हमारे और एडहॉक जो निकले हैं उनको कहीं ना कहीं रीइंस्टेट किया जाए. ये वाइस चांसलर की सीधी सीधी जिम्मेदारी है और इनको अकाउंटेबल करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये एक मैन मेड ट्रेजेडी है. ये ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांस नहीं है, ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर है. ये पुश करके लोगों किया जा रहा है इस डायरेक्शन में. तो ये अपने आप एक हादसा नहीं हुआ है, ये कराया गया है. और ऐसे बहुत सारे और हो सकते हैं अगर हम केयरफुल ना हो अभी और इसमें रोक ना लगाएं. जो एक तो उसके स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है पिछले कई महीनों से.
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिव्या से कि आप हमारे साथ इन टच रहिए और जो हमसे हो सकता है आपकी फैमिली के लिए, और वो पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती लेकिन कुछ भी हम कर सकते हैं, प्लीज हम आपकी मदद हर तरीके से करेंगे और आप भी हमारी मदद करके आगे ऐसा ना हो इसमें हम लोग सब मिलके कोशिश करें, यही हम एक आज प्रतिज्ञा कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्या, स्नेहा, हमारी पूरी सांत्वना आपके साथ है और आपके नुकसान को किसी भी सूरत हाल में हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जैसा नंदिता नारायण जी ने कहा कि उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि आगे कोई और समरवीर, कोई और किसी बहन का भाई इस तरह के लूप होल का शिकार ना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले कॉलेजेस में एडहॉक प्रोफेसर्स को लेकर, उनको परमानेंट कराने को लेकर, उनके एब्जॉर्प्शन को लेकर जिस भी तरीके के लूप होल्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस वक्त का आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। विदा लेता हूँ, आपसे जुड़ूंगा किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। We started Mojo right here in this basement, just four people, four, and now we're about to hit our first 1 million subscribers. So this is to say thank you to all of you for your support, for your respect, and for your encouragement. We've always gone to where the story is. During the pandemic, when television's big anchors were hunkered down in their studios or at their homes, we hit the road. We traveled from Delhi to Kerala, covering 30,000 kilometers in our small car, reporting from inside ICUs and inside slum tenements. Whether it's flash floods or war zones, we've always put our boots on the ground. In fact, we're just back from Punjab, tailing the Khalistani fugitive Amritpal Singh. And through all of this, we have always put you, the people, first. In an age of partisan polarized media where most journalists are either chamcha ya morcha, we believe the story is sacred and the truth of the story is what matters. And now as we get ready for the next step, we need your help. Become a Mojo member and get first access to all our big interviews. Get a chance to ask our newsmakers questions. Get a chance to write and report for us for both our website and our channels. And also, interact with me and my colleagues directly through AMA sessions. Literally, ask me anything. Click on the join now right next to the subscribe button. And yes, also subscribe if you haven't yet. And become a Mojo member for just 159 rupees a month. Hope to see lots of you in our community. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.